भारत में आज भी बहुत गरीब लोग हैं जो अपने सपने और ज़रूरतें पूरी नहीं कर पाते। कुछ मांग कर खाते हैं और कुछ बिना खाए ही सुलाते हैं। तो चलिए लोगों से पूछते हैं कि भारत की गरीबी कैसे कम की जा सकती है। भारत की गरीबी कम होगी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन से, और दूसरा सब लोग अपना अपना काम ईमानदारी से करें तो। भारत की गरीबी कैसे कम हो सकती है, मेरे को PM बना दो। ये गरीब है। शट अप। ओके, भारत की गरीबी क्या हो जाएगी जैसे भगवान चाहे। नहीं, मुझे कैसे पता कैसे होगी। एक तो जो गरीब लोग हैं उनके घर बनवा दो, उनको खाना दे दो, और वो उनको बढ़िया जगह पे रहने की जगह दो। भारत की गरीबी खत्म करने के लिए सबसे पहले हमें करप्शन खत्म करनी पड़ेगी। जब तक हम करप्शन नहीं खत्म करेंगे, भारत की गरीबी कोई नहीं खत्म कर सकता, चाहे वो PM हो चाहे प्रेसिडेंट हो। इसलिए भारत की गरीबी खत्म करने के लिए नीचे लेवल से स्टार्ट करना पड़ेगा, जो कि है करप्शन। भारत की गरीबी जब भारत गरीब है ही नहीं, जब हर कोई संतुष्ट होना शुरू हो जाएगा ना, जितना उसके पास है उसमें संतुष्ट हो जाएगा, तो गरीबी दूर हो जाएगी। क्या बात है, क्या बात है। सर, अगर सब एक वे पे काम करें, सर सब अच्छे वे पे काम करें, तो सर हो सकती है। सर अगर सर बाहर की गरीबी सर डायरेक्ट बिजनेस से कम हो सकती है सर। गरीबी के लिए इसके लिए तो सभी को एफर्ट्स करने पड़ेंगे। इसमें ये नहीं है कि आप गवर्नमेंट्स को ही बोल सकते हो। अब गरीब आजकल हम ये नहीं बोल सकते, उसके लिए सभी डिपेंड्स, इसके लिए सभी को एफर्ट्स करने पड़ेंगे। इवन अगर आप खुद काम नहीं करोगे तो गरीबी कैसे मिटेगी। हम ये सोचते हैं कि हम अगर BPL में आ जाते हैं तो सरकार हमें सब कुछ दे रही है, लेकिन कब तक देगी। अगर हम अनाज ही नहीं पैदा कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, तो गरीबी तो नेचुरली आनी है। अभी तो चलो गवर्नमेंट्स के पास स्टॉक है तो वो दे भी रही है, लेकिन कब तक देगी वो। अब काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं कि अब गवर्नमेंट हर जगह पर अवेलेबल तो नहीं करा सकती है ना हर चीज़। अब कहीं पर भी अगर भूकंप आ जाए, कुछ आ जाती है, तो वहाँ पर नेचुरल डिजास्टर कहीं भी आ सकते हैं। तो इसमें कोई इश्यू नहीं है कि एक ही जगह पर रहती है। गरीबी को मिटाने के लिए सभी को एफर्ट्स करने पड़ेंगे। भारत की गरीबी हमने गरीबी कर रखी है यार, बाहर से थोड़ी ना कोई ठीक करेगा। ठीक है, अब जिनके पास है तो वो सोचते हैं और आ जाए, तो उसके बाद नहीं है तो वो गरीब होता जा रहा है। अगर हम इक्वली थोड़ा सा शेयर करें, मतलब अमीर लोग भी इस बारे में सोचे कि यार यही हम लोग जितनी हमारी, कई बार क्या है ना, अमीर के पास इतना ज़्यादा है ना, वो खा खा के परेशान है, मतलब बदहजमी हो रही है उसको, लेकिन वो कभी नहीं चाहेगा कि गरीब को 100 रुपया दे दूँ। सब्जी मंडी में जाके हम लोग बार्गेनिंग करेंगे, मतलब अमीर आदमी बार्गेनिंग करेगा गरीब से कि यार सब्जी 20 रुपये नहीं 10 रुपये दूंगा मैं तो, है ना। और वो शोरूम में जाके 5,000 की चीज़ के लिए भी कभी ये नहीं बोलेगा कि 100 रुपये कम कर लो। तो सोच हमारी बदलनी चाहिए। बाहर से कुछ नहीं, हमारे पास सब कुछ है, धन दौलत, मतलब इंडिया में किसी चीज़ की कमी नहीं है, मैं तो यही मानता हूँ। तो हमारी अगर सोच बदल जाए तो गरीबी तो कोई चीज़ ही नहीं है। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स में बताइए, और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।